मामला जनपद शामली की शुगर मिलों का है, जहां गन्ना पेमेंट ना होने की वजह से किसानों का दर्द उन्हीं की जुबानी साफ बयां होता है कि हमारा दर्द कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि गन्ने का पेमेंट हमने सपा सरकार से भी ज़्यादा कराया है, लेकिन गन्ना किसानों को अभी तक पिछले सत्र का भुगतान नहीं हो पाया है और नए सत्र में शुगर मिलों को चले हुए लगभग एक महीना हो गया है। ना तो पुराने सत्र का पेमेंट हो पाया है और ना ही नए सत्र का पेमेंट हो पाया। सरकार का दावा 14 दिनों में पेमेंट कराना ऊँट के मुंह में जीरा जैसी कहावत को सत्यार्थ करता है। शामली की शुगर मिल ओपन लगभग पिछले सत्र का 300 करोड़ रुपए बकाया है। उन शुगर मिल पर लगभग 50 करोड़ और थाना भवन शुगर मिल पर 125 करोड़ और सबसे बड़ी भयानक स्थिति शामली शुगर मिल की है, जिस पर लगभग पिछले सत्र का 150 करोड़ रुपए बकाया है। जब हमने किसानों से बात की तो उनका कहना था कि गन्ना पेमेंट ना होने की वजह से हमारे बच्चों की फ़ीस भी नहीं जा पा रही है। स्कूल वाले बिना फीस देने की वजह से बच्चों पर दबाव बनाते हैं। खेतों के लिए दवाई खाद की ज़रूरत पड़ती है, बिना पेमेंट होने की वजह से ना तो खाद मिल पा रहा है ना दवाई मिल पा रही है। आवारा पशु जंगली जानवर हमारी फसल को नुकसान कर रहे हैं। सरकार भी इस मामले में कोई ध्यान नहीं दे रही। जब हमने पूछा कि आप शामली शुगर मिल को गन्ना क्यों दे रहे हैं तो उनका कहना था कि हमारी मजबूरी है, ये हमारी मेन फसल है। अगर हम मिल को गन्ना ना दें तो हमारी फसल खड़ी रह जाएगी। हमारी मजबूरी है शुगर मिल को गन्ना देना, क्योंकि गेहूं की बुवाई भी गन्नों की फसल पर निर्भर है। अगर गन्ना मिल में नहीं जाएगा तो गेहूं की बुवाई कैसे होगी? गन्ना पेमेंट के लिए बहुत आंदोलन भी किए गए, लेकिन जब भी पेमेंट नहीं हो पाया। शामली शुगर मिल का कहना है कि नए सत्र की चीनी बेचकर जब पेमेंट कराया जाएगा, वही किसान का कहना है कि नए सत्र की चीनी बेचकर अगर पिछले सत्र का पेमेंट कराया जाएगा तो नए सत्र का पेमेंट क्या चीनी मिल बेचकर किया जाएगा? किसान बहुत बड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, उसकी सूद लेने वाला कोई नहीं है, चाहे प्रशासन हो या राजनीतिक पार्टियां, कोई भी किसानों के दर्द सुनने को तैयार नहीं है। शामली जिला अधिकारी का इस पर कहना है कि जिले के सभी मिलों के अधिकारियों से हर सप्ताह मीटिंग होती है, गन्ने पेमेंट का प्रयास लगातार किया जा रहा है। दिसंबर माह के अंत तक सभी शुगर मिलों का 95% पेमेंट करा दिया जाएगा। मैम, बहुत से किसानों की समस्या आ रही है गन्ना पेमेंट के लिए, क्या पूरा मामला है? गन्ने की 3 मिल हैं शामली जनपद में और लगभग 1150 करोड़ हमारा टोटल पेमेंट था पिछले सीज़न का जो करना था, उसके सापेक्ष जो पेमेंट हुआ है हमारा लगभग 75% डिस्ट्रिक्ट का पेमेंट हुआ इस समय में, जिसमें ऊन मिल का थोड़ा कम पेंडिंग है, लगभग 50 करोड़ पेंडिंग है जो वो इस महीने में कर लेगा। इसके अलावा बजाज की थाना भवन की जो मिल है वो भी दिसंबर का उन्होंने टाइमलाइन दिया है कि उनका लगभग जो बकाया है 125 करोड़ का, उसका वो पेमेंट कर लेंगे। शामली मिल की जो समस्या है उसमें थोड़ा टेक्निकल समस्या उनकी मिल में भी आ रही है, जिस वजह से वो क्रशिंग उतनी नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी उनको निर्देशित किया गया है कि किसी भी प्रकार से बैंक से लोन लेके या कोई भी अन्य व्यवस्था करके जो भी पेंडिंग उनका पेमेंट है किसानों का करें। हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि दिसंबर एंड तक हमारा मैक्सिमम पेमेंट हो जाएगा 95%, 96%, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं और हर सप्ताह मीटिंग भी कर रहे हैं सभी मिल के अधिकारियों के साथ। मैम, शामली शुगर मिल पर धरने भी दिए जा चुके हैं और नवंबर का टाइम भी लिया था, लेकिन उन्होंने अब तक पेमेंट नहीं किया, क्या प्रशासन का दबाव नहीं है? शामली मिल को बुलाया जा रहा है, उनके यूनिट हेड और जीएम केन को तो हर सप्ताह बुलाया जाता है। शामली मिल के मालिक से भी कई बार मीटिंग हुई है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं उनको बैंक से भी मदद हो जाए ताकि उनको पेमेंट आसान हो जाए करना, ये भी प्रयास किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? आशीष कुमार जी। आशीष कुमार, आपके गन्ने के पेमेंट की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत ख़राब है जी, कोई भी मतलब ऐसा नहीं आश्वासन हो रहा भाई, पंचायत भी हो ली, वैसा काम भी हो लिया, सब बहुत धरने भी हो लिए, पैसे का कोई लेना देना अब तक कोई दिक्कत वो नहीं हो रही जी। कितनी दिक्कतें आ रही है, अगर पेमेंट नहीं आपको मिल पा रहा? दिक्कत बहुत बड़ी है, परेशानी बहुत ज़्यादा है जी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो रही, घर का लालन पोषण बिल्कुल ख़राब हो रहा, जो पशु है मेरे उनका चारा टाइम पर चारा मिल जाए बेचारे को, ऊपर का अनाज वगैरह कुछ नहीं मिल रहा, बहुत बुरी हालत है जी। अच्छा, जैसे मान लिया अभी मिल मालिक के साथ एक वार्ता हुई थी, उसमें कहा था कि हम पेमेंट नहीं करा सकते और नई चीनी मिल बेच के कराएंगे, इसमें आपकी क्या राय है? नहीं चलो मान लिया चीनी बेच कर तो कराऊंगे, यू पिछला ही, और अगला देखो अगले अगले का क्या हाल होगी, मिल को बेच कर करेंगे फिर।
क्या करेंगे वो तो? गन्ने का भाव भी नहीं अभी डिसाइड हुआ, क्या कहना है आपका इसमें? कोई भाव नहीं, देखो ये तो देखो किसान का कितनी हिम्मत की बात है, कोई भाव मतलब वो नहीं हो रहा और वे फिर भी विश्वास पर गन्ना घेर रहे, अपनी फसल घेर रहे है, और वे फिर भी किसान का जो है कहना मोटा भी ऐसा नहीं सोच रहे, कैसे उनके बच्चों का लालन पोषण होगा, क्या कितनी समस्या है उनका? शामली शुगर मिल आपका पेमेंट नहीं दे रहा, फिर आप गन्ना क्यों डाल ले? मजबूरी है जी, क्या करें बताओ, क्या मजबूरी है भाई? मजबूरी ये है, इस यही मुख्य फसल है, और देखो आपने देखा होगा जैसा जई बोई वैसी फसल दूसरी करी, अब तो जो है नील गए वगैरह सूर है ये हुए जंगली जानवर खराब कर रहे, आप चाहे तो मेरे खेत में देख सकते हो, उसकी मैंने जो है कड़ी वगैरह गाड़ कर उसकी बाउंड्री चारों तरफ की कर रखी है। गेहूँ की फसल के उसमें क्या, गन्ने पर क्या प्रभाव है? गेहूँ की फसल तो बुई नहीं, जब गन्ना टाइम पहन जाता है जी तो फसल कहाँ बूझेगी, ये छोटे किसान है मान लो जिनकी एक आधी पर्ची है एक उसमें अतवा चली गई आधा क्यारा पड़ा नहीं यूज होता। सरकार से क्या चाहते हैं? बस सरकार से तो यही निवेदन है जी हमारा, जो किसानों की सुन रही अब टाइम पर जो है किसानों का जो है पैसा मिल जाए। नाम है आपका? मेरा नाम विनीत कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव टिटोली का रहने वाला हूँ। अच्छा, गन्ना पेमेंट की क्या स्थिति है आपकी? गन्ना पेमेंट की बहुत बुरी स्थिति है, पिछले साल का भी अभी नहीं आया और इस साल का तो अभी ना तो पेमेंट का पता और ना ही भाव का पता कुछ भी। अच्छा, राज्य सरकार ने या सेंटर ने भाव नहीं बढ़ाया अभी? अभी अभी कुछ घोषणा नहीं हुआ कुछ भी। कितना पेमेंट बाकी है गन्ने का आपका? भाई गन्ने का मेरे हिसाब से 10 फरवरी तक का आया हुआ है अभी तक। अभी तो फिलहाल 100 कुछ करोड़ रुपए बाकी है शामली शुगर मिल पे। हाँ जी, हाँ जी। क्या राय है आपकी? मेरी राय तो यही है गन्ने का पेमेंट जल्द से जल्द होना चाहिए, और हमारे मिल की शामली मिल की तो बहुत बुरी स्थिति है, इसका पेमेंट तो कभी 2 दिन कभी 5 दिन इससे ज़्यादा कभी आता ही नहीं। अच्छा, अभी जो यहाँ के गन्ना सोसाइटी के वो जो है तो उन्होंने अभी एक मीटिंग करी थी, उन्होंने मिल मालों के साथ सभी मिल और हाँ ये एक कहा था अब भाई सभी गन्ना पेमेंट करें, लेकिन शामली शुगर मिल ने हाथ उठा दिए थे, कह हम अभी नहीं कर सकते, नई चीनी आएगी उसे बेच के गन्ना पेमेंट करें, क्या कहना है आपका इस बारे में? नहीं, अब की बार तो नई चीनी आएगी तब पेमेंट कर देंगे, और अगली बार का क्या होगा, वो चीनी बेच कर तो ये पेमेंट कर देंगे, ये पेमेंट कब होगा? सरकार कोई पूछने वाला ही नहीं है। सरकार से क्या चाहते हैं आप? हम तो अपने गन्ने का पेमेंट ही चाहते हैं और कुछ नहीं।